गाइस जितने भी ऊपर आ रहे हैं ना, अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी हमने बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम किसी जेन्युइन लोकल पर्सन से पूछते हैं कि अभी कितना हमने कवर करा है, तो वो बोलता है कि अभी 4 से 5 घंटे और रहते हैं, करीब 7 से 8 किलोमीटर और रहते हैं। मैं बताऊंगा पर्टिकुलर क्या है, ये जो रूट है केदारनाथ का यार, शॉर्टकट मार के पहुंचेंगे 3 घंटे। छड़ों के लिए, फैमिली के लिए मेरे हिसाब से नहीं है। आप बच्चे को, छोटे बच्चे को या ऐसा टीनेज बच्चे को मत लाइए, सब बेटर टू यू। पर्टिकुलर क्या है, बहुत ही रिस्की एरिया है, आप थक जाओगे, आपको रास्ता ही नहीं पता चलेगा कब रास्ता। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कितनी क्रिटिकल सिचुएशन रखी है यहाँ पे, ये देखो। लोग स्लिप हो रहे हैं, शॉर्टकट ले लेके गिर रहे हैं, तो भाई अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल मत आए, आए तो अपने दम पर आए बिल्कुल। और हाँ, सेफ्टी मैं बताता हूँ, अगर आप आते हो आपके शूज बिल्कुल ब्रांड नहीं होने चाहिए, ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप स्लिप ना करें। बहुत ही बढ़िया है। और खाने का जुगाड़ आप नीचे से ही करके चले, ऊपर जैसे चढ़ते जाएंगे हर कुछ किलोमीटर बाद 10 रुपये बढ़ता जाएगा। अगर आपने स्ट्रिंग, नॉर्मली स्ट्रिंग की बात करूंगा 20 रुपये की नीचे ली है, थोड़ा ऊपर जाओगे 30 रुपये की, फिर 40 रुपये की, अब यहाँ आके आपको 60 रुपये की स्ट्रिंग मिलेगी। Exactly. और आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपको प्यास भी लग रही है, आपको एनर्जी भी चाहिए, हो सकता है ऊपर उसके रेट और बढ़ जाए। So, तो अभी हम बैठे हैं एक छोटे से स्टॉल में, पानी बोतल कितने का, जो ये भाई हमें खिलाएंगे अभी आलू का पराठा, आलू उबाल दिए हैं और अभी चाय लाओगे भाई? चाय पिलाओगे? चाय पिलाएंगे। चलो भाई, चाय भी हो गई अब। ओह फाइनली, चलो ठीक है। अज्जू भाई टायर्ड हो गए आप? बिल्कुल, बोलो कुछ। मेरी ऊपर जाके दर्शन करेंगे भोलेनाथ के, देखते हैं अभी। ये देखो लोग अपना सामान ले लेके जा रहे हैं। पर गाइस एक चीज हो रहा है यहाँ, जिस जिस बंदों से आपसे पूछोगे, जितनी बार पूछोगे तो वो यही कहेगा 10 किलोमीटर बचा, ये बचा, वो बचा। और एक चीज है, यहाँ सब चीटिंग करते हैं, यहाँ सब चीटिंग नहीं करते।